गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो नेट जेएनएल में एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका कोड 05 है उसके बारे में बताएंगे कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नेट में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और क्या इम्पोर्टेंस है इसकी और कहां कहां पर सोशियोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है बेसिकली कि सोशियोलॉजी क्या है और इसका उदय कैसे हुआ, किस तरह के प्रश्न आते हैं, जो कि हम नेट जेआरएफ 2022 की बात कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि नेट में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर रहता है और 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर रहता है। सेकंड क्वेश्चन इसी ये जो 100 क्वेश्चन आएंगे सोशियोलॉजी में इसी का पर बेस ये हमारा पेपर है जिसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो इमाल जोखिम से शुरू होता है। लेकिन किसी भी थिंकर के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो सब्जेक्ट कैसे बना, वो उसका इमर्जेंस कैसे हुआ। जैसे बहुत सारी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हर सब्जेक्ट बहुत पुराना है, लेकिन सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नया सब्जेक्ट है जिसको अभी बहुत अधिक समय नहीं हुआ है। अगस्त फॉर्म ने 1838 में 1838 में इस विषय को शुरू किया था और इसीलिए रॉबर्ट डी स्टेट ने भी कहा है कि समाज शास्त्र एक नवीन विषय है, इसका अतीत बहुत अधिक पुराना नहीं है। अगर हम बात करें नेट जेआरएफ में तो 100 क्वेश्चन आते हैं सोशियोलॉजी में, जिसमें अगर हम इसको सेगमेंट वाइज डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि पूरी यूनिट जितने हमारे 10 यूनिट्स हैं उसमें से हर यूनिट में से लगभग 10 क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। लेकिन चूंकि कुछ थिंकर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर्सपेक्टिव से उनमें से कुछ क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन हर यूनिट में से लगभग क्वेश्चन कवर होते हैं। ये यूनिट आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन ये इंट्रोडक्शन, तो इसमें चूंकि सब्जेक्ट का उदय कैसे हुआ, पूरा सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट का विकास कैसे हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो अगस्त फॉर्म थे उन्होंने 1838 में सब्जेक्ट को शुरू किया है और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ये विषय आया था। तो समाज शास्त्र को जो सबसे पहले नाम दिया गया है इसमें दिया है कि सामाजिक भौतिकी। सबसे पहले अगस्त फॉर्म ने इसको सामाजिक भौतिकी नाम दिया था और बाद में कुछ इल्जाम लगा कि जो ये सोशल फिजिक्स शब्द है वो एडोल्फ क्विटलेट ने पहले ही प्रकाशित करवा लिया है, तो अगस्त फॉर्म ने इस विषय को का नाम बदलकर समाज शास्त्र कह दिया। इसका नाम बदल देने के कारण बाद में समाज शास्त्र को कई समाज शास्त्रियों ने दो भाषाओं के अवैध संतान भी कहा है, क्योंकि एक शब्द लैटिन का दूसरा ग्रीक का है। अगर हम आगे बात करें तो अगस्त फॉर्म ने इस विषय को 1838 में दिया है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है सोशियस प्लस लोगस। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सोशियस का मतलब होता है सोसाइटी और लोगस का मतलब होता है मैथड, मतलब एक ऐसा विषय है जो समाज का अध्ययन करे, मतलब सोसाइटी प्लस मैथड मीन्स द सब्जेक्ट विच स्टडी सोसाइटी साइंटिफिकली। अगर हम आगे बात करें तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियस प्लस लोगस दो भाषाओं की अवैध संतान से कहा है, इसलिए कहा है कि ये दो भाषाओं से बना है, जो ये लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, लोगस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। आगे हम देखेंगे ग्रीक भाषा का शब्द है, इसकी दो भाषाएं अलग अलग हो जाने के कारण बाद में समाजशास्त्र को इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का जेएस मिल ने कहा कि समाजशास्त्र जो है वो दो भाषाओं के अवैध संतान है, तो ये देखने में और सुनने में ही अच्छा नहीं लगता, तो समाजशास्त्र का नाम जो है वो समाजशास्त्र की जगह पे सोशल इथोलॉजी होना चाहिए, सोशल इथोलॉजी होने का
सुझाव दिया। बहुत सारे आप नेट के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे भी समाज शास्त्र के स्थान पर इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो आंसर आ जाएगा जेएस में। समाज शास्त्र के उद्भव के लिए जो बेसिक क्रांति जिम्मेदार है वो कौन सी क्रांति है, फ्रांसिस क्रांति है, जो कब हुई थी 1789 में हुई थी, और औद्योगिक क्रांति कब हुई थी 1760 में हुई थी। समाज शास्त्र के उदय के लिए जो दो क्रांतियां उनको बेसिकली ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है वो एक फ्रांसिस क्रांति 1789 की और औद्योगिक क्रांति 1760 की। समाजशास्त्र में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि समाजशास्त्र के जो विकास है उसका बौद्धिक विकास कैसे हुआ, उसके बौद्धिक स्रोत क्या है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इतिहास का दर्शन और विकास का जैविकीय सिद्धांत, सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सर्वेक्षण विधि का पता, मतलब ये चार ऐसे दर्शन है जो समाजशास्त्र के बौद्धिक विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से अक्सर आ जाता है कि समाजशास्त्र की के जो उदय है उसके बौद्धिक स्रोत कौन कौन से, तो उसके मुख्यतः चार स्रोत हैं, राजनीति दर्शन, इतिहास का दर्शन और विकास का जैविकीय सिद्धांत जो डार्विन और स्पेंसर का सिद्धांत है, उसके बाद सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सर्वेक्षण विधि का विकास। समाजशास्त्र का अकेडमिक्स में कैसे समाजशास्त्र आया, मतलब विभिन्न विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र कैसे पढ़ाया जाने लगा, किसने इसकी शुरुआत की, इससे प्रश्न बहुत बनते हैं। इनको हम देखेंगे कि 1838 में इस विषय का जो जन्म है वो फ्रांस में हुआ है, लेकिन इसका सर्वाधिक विकास अमेरिका में हुआ है। यह प्रश्न जीडीसी में 2020 में पूछा भी गया है कि समाजशास्त्र का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है, तो उसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका में। 1876 में येल यूनिवर्सिटी में द्वारा इस विषय का विकास किया गया है, येल यूनिवर्सिटी में। येल यूनिवर्सिटी में ग्राहम विलियम सम्नर के नेतृत्व में इसलिए इनको समाजशास्त्र का अकादमिक जनक कहा जाता है। प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि समाजशास्त्र का जो फाउंडिंग फादर है वो अगस्त कॉम्ट है, समाजशास्त्र के अकादमिक जनक ग्राहम विलियम सम्नर तथा समाजशास्त्र के पिता के रूप में भी जो विख्यात है वो अगस्त कॉम्ट है। तो प्रश्न में अगर अकादमिक जनक आपसे कभी पूछा जाए तो आंसर उसका हो जाएगा ग्राहम विलियम सम्नर। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है फोकवेज जो 1906 में आई है, और इस बुक को ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं, मतलब समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक कहते हैं, जिसे ग्राहम विलियम सम्नर ने लिखा था। समाजशास्त्र एक और बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक पूछी जाती है जो साइंस ऑफ सोसाइटी सम्नर और केलर ने मिलकर इस बुक को लिखा है। दुर्किन के नेतृत्व में बोर्डिक्स विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ है, इसलिए 1889 में ही समाजशास्त्र दुर्किन के नेतृत्व में बोर्डिक्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाने लगा। इसलिए समाजशास्त्र का वास्तविक पिता अगर पूछा जाता है, वास्तविक पिता, तो वो दुर्किन कहलाते हैं। 1892 में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में स्मॉल के नेतृत्व में समाजशास्त्र का उदय हुआ है। स्मॉल द्वारा एक जर्नल भी इस विषय में निकाला था जो 1895 में आया, जिसका नाम था अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। ये जर्नल अभी भी निकलता है। लेस्टर फ्रैंकफोर्ट ने अमेरिकन समाजशास्त्र परिषद की स्थापना भी की है। उसके बाद हम समाजशास्त्र के कौन कौन से संप्रदाय है, मतलब पहले जब विषय शुरू हुआ तो कौन कौन से विषय के तहत इसको पढ़ा जाने लगा, उसमें कौन कौन सबसे ज्यादा पारिस्थिति की जो शिकागो स्कूल था उसमें ये तीन चार समस्याओं पर स्टडी करके रिसर्च करके इस विषय के अध्ययन शुरू किया, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था। तो जिसमें कौन कौन से विषय थे, अपराध था, अपचार था, मतलब डेविएंस था, गरीबी मतलब पॉवर्टी था, जो कि नगरीय समस्याएं थी, नगरों में सबसे ज्यादा ये समस्याएं प्रचलित थी, इसका अध्ययन किया जाने लगा। इन विषयों को केंद्र में रखकर जिस संप्रदाय ने अध्ययन किया उसको शिकागो संप्रदाय कहा गया। जिसकी अगर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी देखें, मतलब अध्ययन का जो तरीका था वो क्या था, उसमें इकोलॉजी तथा नृविज्ञान
एथनोग्राफी, ये दो चीजों को ध्यान में रखकर किया गया था। इसकी प्रमुख विद्वान अगर शिकागो संप्रदाय के पूछे जाए तो स्मॉल, पार्क, बगेस, ईड, कूले, थॉमस मैकेंजी, ड्यूविट, नैटली, पैरिस, ब्लूमर आदि है। उसके बाद फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये सब स्कूल क्या होते हैं, स्कूल मतलब किसी एक विचारधारा को मानने वाले लोग, जैसे अभी भी जो हम लोग स्कूल, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, ये स्कूल उन्हीं संप्रदायों से ही लिया गया एक शब्द है। तो यहाँ पे जो समाजशास्त्र संप्रदाय शब्द होता है वो स्कूल के रूप में होता है। जैसे फ्रैंकफर्ट संप्रदाय में किन किन चीजों को लेकर के कौन सी विचारधारा प्रचलित थी उसकी बात करते हैं, जो 1923 में ये विकसित हुआ है, और मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर तत्कालीन विषय के बदलते परिवेश की व्याख्या करना इसका सबसे ज्यादा मुख्य उद्देश्य था। भारत में समाजशास्त्र कैसे कब स्टार्ट हुआ, तो 1914 प्रश्न, इसमें जो मैंने वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं इसमें आप किसी भी पीजीटी में जाकर चेक करें, नेट में चेक करें, ये प्रश्न आपको सीधे सीधे डायरेक्ट मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ कंटेंट को ये भी डिजाइन करते समय इस बात को बार बार हम लोग ध्यान रखते हैं कि आपको जो पढ़ाया गया उसमें से आपको अधिक से अधिक एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल सके, जिसमें ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि भारत में समाजशास्त्र कब प्रारंभ हुआ। तो वहां पर आपको आंसर 1914 नहीं लगाना है, 1919 लगाना है, क्योंकि 1914 में ही अर्थशास्त्र विषय के साथ पढ़ाया जा रहा था, लेकिन बीसी जो डिपार्टमेंट कब शुरू हुआ है 1919 में पैट्रिक गिड्स के नेतृत्व में एक अलग सब्जेक्ट के रूप में से पढ़ाया गया, यानी कि समाजशास्त्र का जो 1919 जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें 1914 1919 दोनों ऑप्शन है, तो आपको 1919 लगाना है। उसके बाद पैट्रिक गिड्स के बाद जीएस भूरिया ने इस विभाग को चलाया, मतलब जीएस भूरिया के नेतृत्व में आगे काम करने लगा। 1952 में जीएस भूरिया ने भारतीय समाजशास्त्र परिषद की स्थापना की, जो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी है, जिसमें से सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका भी निकलती है। अभी तक इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी अस्तित्व में है, हम लोग उसके मेंबर हैं, लाइव मेंबर हैं, जिसकी सदस्यता लेकर आप इस विचारधारा में अपना योगदान दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्रजेंद्र नाथ शील के प्रयास में 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की स्थापना हुई, और राधा कमल मुखर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। राधा कमल मुखर्जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय को बहुत अच्छे से डेवलप किया है समाजशास्त्र के क्षेत्र में, इसलिए अभी भी लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत समाजशास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी संस्था मानी जाती है, जिसको जिस कारण से लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। 1953 में पटना यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में समाजशास्त्र का विकास हुआ, और उनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो अक्सर पूछी जाती है कि नरेंद्र प्रसाद ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम इनकी ये पुस्तक है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कुलीनीकरण का, जब आगे हम फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो अभी अगर हम कंसाइज वे में देखें तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था, ये इंट्रोडक्टरी था, इसमें बेसिकली हमने जिन जिन चीजों को कवर अप करने की कोशिश की है वो समाजशास्त्र का उदय एवं विकास कैसे हुआ, समाजशास्त्र का उदय विकास फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ, जिसमें समाजशास्त्र का उदय करने वाले मुख्य जो विद्वान है समाजशास्त्री वो अगस्त कॉम्ट है। 1838 में समाजशास्त्र विषय सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुआ, उसके बाद ये दुनिया में बॉर्डिक्स यूनिवर्सिटी में दुर्कीम के द्वारा शुरू किया गया। दुर्कीम इसके वास्तविक उत्तराधिकारी भी माने जाते हैं। उसके पश्चात भारत में 1919 में पैट्रिक गिड्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विषय की शुरुआत हुई, और कालांतर अभी लगभग भारत के लगभग हर हिस्से में समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है। राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में लखनऊ यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विषय की शुरुआत हुई, और लखनऊ विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र बहुत जगह फैला। अभी बहुत समाजशास्त्र जो है वो एक ऐसा विषय हो गया है जिसका स्कोप बहुत ज्यादा है, और कई ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप आराम से समाजशास्त्र पढ़कर जा सकते हैं। तो नेट जीआरएफ एक अपने आप में बहुत बड़ा ऑल इंडिया लेवल का रेपुटेड एग्जाम है, जिससे आप क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर आप नेट और जीआरएफ अगर आप 35 आपको कैटेगरी वाइज इसमें रिलैक्सेशन मिलता है, जिसमें मिनिमम एज 30 होती है, अगर 30 साल तक जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 40,000 रुपए की स्कॉलरशिप प्रतिमाह मिलती है सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। इसके अलावा जो सोशियोलॉजी है जो हम लोग यहाँ से कोर्स प्रोवाइड करते हैं कंटेंट, वो नेट जीआरएफ के साथ साथ पीजीटी जीआईसी वे बहुत सारे एग्जाम्स में आपको काम आता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो दुर्खीम, हिमालय दुर्खीम, जो कि हमारे नेट का सिलेबस देखेंगे तो फर्स्ट टॉपिक है हिमालय दुर्खीम, उसे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लेकर के फर्दर क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।